बरसात के मौसम में आपको जहां तहां आम के छोटे छोटे पौधे उगे हुए दिखाई दे जाते हैं, ये उन गुठलियों से निकलते हैं जिन्हें कुछ दिनों पहले आम के सीजन में खाकर फेंका गया होता है। अगर आप इन बीजों से आम का पेड़ उगाएं तो ये पेड़ 7-8 साल बाद फल देना शुरू करेगा। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप गुठली वाले इन पौधों के साथ फल देने वाले आम के पेड़ की कलम जोड़कर लगा दें तो बीज से उगाया पौधा भी 1-2 साल में फल देना शुरू कर देगा, और इस तरह से आप फ्री में अपने मनपसंद वैरायटी के आम का ग्राफ्टेड पेड़ घर पर उगा सकते हैं, वो भी गमले में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बीज से उगाए हुए आम के पौधे में स्टोन ग्राफ्टिंग करना सिखाने वाला हूँ, जिसे गुठली कलम भी कहते हैं। मैं आपको दो ग्राफ्टिंग मेथड्स बताऊंगा, सिंगल और डबल स्टोन ग्राफ्टिंग मेथड, जिसे आप भी अपने घर पर बड़ी ही आसानी से कर सकेंगे। स्टोन ग्राफ्टिंग की जाए तो पौधा 1.5-2 साल में ही आम के बड़े पेड़ की तरह फल देने लगेगा, क्योंकि असल में ये बड़े फलदार पेड़ का ही आइडेंटिकल क्लोन बन गया होता है। ये 1 महीने पुराने आम के पौधे हैं जिन्हें मैंने बीज से उगाया है। बीज से उगाने के लिए आप किसी भी किस्म के आम की गुठली को साफ करके कुछ टिश्यू पेपर्स या किचन टॉवल में पानी में भिगोकर इसमें गुठली को लपेटकर जिप लॉक पाउच में रखकर सील करके रख दीजिए। अब इसे किसी ब्राइट लोकेशन में रखना है। 8-10 दिन में सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट को मिलाकर सीड को लगा दीजिए। लाइट वेट सॉइल मिक्स में पौधा जल्दी उगेगा और स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए बिना रूट्स डैमेज किए पौधा निकालना भी बहुत आसान होगा। 15 दिनों बाद आम का छोटा सा पौधा निकल आया है। 1 महीने बाद पौधे स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए तैयार हो गए हैं। इन्हें मैंने मिट्टी से बाहर निकालकर पानी में रखा है ताकि जड़ें सूखे नहीं। स्टोन ग्राफ्टिंग या कलम बांधना ऐसी टेक्निक है जिसमें सीड से उगाए हुए पौधे के निचले हिस्से यानी रूट स्टॉक में फल देने वाले बड़े मैच्योर ट्री से सायन यानी कलम काट कर जोड़ दिया जाता है। अब मैं इसमें सिंगल स्टोन ग्राफ्टिंग करने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको चाहिए ग्राफ्टिंग टेप, शार्प प्रूनर, तेज धारदार ब्लेड, सायन के लिए अच्छी वैरायटी के आम की कटिंग और 1-1.5 महीने पुराने बीज से उगाए हुए आम के पौधे। दोस्तों, मेरे घर से कुछ दूरी पर एक आम का बगीचा है जहां से मैं सायन के लिए केसर वैरायटी के आम की कटिंग लेकर आया हूं। इस तरह की सॉफ्ट वुड वाली पुरानी ब्रांच जिसमें एकदम डार्क ग्रीन पत्तियां हों और ऊपर से इस तरह की बड्स आ रही हों, इस तरह की ब्रांचेस कलम के लिए बेस्ट होती हैं। सही तरह का सायन लेंगे तो आपकी स्टोन ग्राफ्टिंग 100% सक्सेसफुल होगी। कलम ज्यादा मोटी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा बीज वाला पौधा अभी छोटा है। अब एक शार्प ब्लेड को डिसइंफेक्ट कर लें। ग्राफ्टिंग की सक्सेस के लिए कटर को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन से ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है। अपने हाथों को भी सैनिटाइज कर लीजिए। अब इसे 4-5 इंच ऊपर से स्टेरलाइज शार्प प्रूनर से कट कर लीजिए। अब इसके एकदम बीच में से 2 इंच नीचे तक कट लगाइए। कटिंग से सारी पत्तियों को तोड़ लीजिए। अब इसके दोनों तरफ से इस तरह से तिरछा कट लगाइए। ध्यान रहे कि कटे हुए हिस्से पर मिट्टी या गंदे हाथ न लगे, वरना इन्फेक्शन के कारण ग्राफ्टिंग खराब भी हो सकती है। कट उतना ही लंबा होना चाहिए जितना गहरा चीरा आपने पौधे में लगाया है, जिससे दोनों आपस में फिट हो सके। अब कलम को पौधे में अच्छी तरह से फंसा दीजिए। अब इसे ग्राफ्टिंग टेप या सेलो टेप से अच्छी तरह से टाइट बांध दीजिए और नीचे से ऊपर तक कवर कर दीजिए। अगर ग्राफ्टिंग वाला जोड़ जरा भी लूज रहेगा तो ग्राफ्टिंग खराब हो सकती है, इसलिए इसे एकदम टाइटली लपेटकर वाटरप्रूफ कर दीजिए। ग्राफ्टेड पार्ट पर हवा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इस पर फंगस लग सकती है। मैंने 50% गार्डन की मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% रेत मिलाकर छोटे गमले में भर दिया है। अब इसमें पौधे को इस तरह से लगाइए कि ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा मिट्टी के ऊपर रहे। अब मैं इसे एक पॉलीबैग से कवर कर दूंगा, इससे इसमें ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। इसे नीचे से हल्का सा बांध लीजिए, टाइट नहीं बांधना है ताकि इसमें थोड़ी बहुत हवा अंदर बाहर आ जा सके। इसमें अच्छी तरह से पानी देकर इसे शेड में रखना है। हमारे पौधे में फिलहाल पत्तियां नहीं है, इसलिए ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है, वरना ओवर वाटरिंग के कारण रूट रॉट हो सकता है और हमारी ग्राफ्टिंग फेल भी हो सकती है। पानी तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी छूने पर सूखी महसूस हो। दोस्तों, ये है रिजल्ट 29 दिनों बाद का।
अब इसका पॉलीबैग हटाकर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर की तरफ से छोटी छोटी पत्तियां निकल आई हैं, जिसका मतलब है हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गई है। अब इस पॉलीबैग को हटाकर इसे ऐसी जगह रखूंगा जहां इसे हल्की हल्की इनडायरेक्ट फिल्टर्ड सनलाइट मिले, क्योंकि अभी पत्तियां नाजुक हैं तो इसे धूप में नहीं रख सकते हैं। 40 दिन बाद पत्तियां बड़ी बड़ी हो गई हैं और हमारी स्टोन ग्राफ्टिंग अब एस्टेब्लिश हो गई है। ध्यान रहे कि अभी इस पर से ग्राफ्टिंग टेप नहीं हटाना है। 2-3 महीने बाद जब ग्राफ्टिंग वाले हिस्से में अच्छी तरह से यूनियन हो जाए और ढेर सारी नई पत्तियां निकल आए, तब आप इसे हटा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ डबल स्टोन ग्राफ्टिंग का तरीका। डबल स्टोन ग्राफ्टिंग में सक्सेस के चांसेस सिंगल स्टोन ग्राफ्टिंग से ज्यादा होते हैं और इसका पेड़ भी जल्दी बड़ा होता है, क्योंकि इसमें एक कलम को 2 आम के पौधों के साथ ग्राफ्ट किया गया होता है। इसके लिए आपको आम के 1-1.5 महीने पुराने 2 सीडलिंग्स लेने होंगे। डबल ग्राफ्टिंग के लिए मैं दशहरी आम वेराइटी की कलम ले रहा हूँ। अब दोनों सीड ग्रोन प्लांट्स के ऊपर के हिस्से को बराबर साइज में कट कर दीजिए। अब इस तरह से दोनों में 2.5 इंच लंबा तिरछा कट लगाइए। इस काम को जरा ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। अब सायन को भी दोनों साइड से इसी तरह से तिरछा कट कर लीजिए। सीडलिंग के बराबर ही कट लगाना है। अब दोनों सीड ग्रोन पौधों के कट्स को कलम के कट्स के ठीक ऊपर लगाकर ग्राफ्टिंग टेप या सेलो टेप से टाइटली बांधकर कवर कर दीजिए। पॉलीबैग से इसे कवर कर दीजिए और शेड में रखिए। दोस्तों, 20 दिन बाद ही इसमें नई पत्तियां निकल आई हैं। इसमें सिंगल स्टोन ग्राफ्टिंग के कंपैरिजन में जल्दी बर्ड्स निकल कर आई हैं और इस तरह से हमारा डबल स्टोन ग्राफ्टिंग भी सक्सेसफुली ग्रो हो गया है। डबल स्टोन ग्राफ्टिंग का हमारा प्लांट 32 दिनों का हो गया है और इसमें पत्तियां बड़ी बड़ी आने लगी हैं। अब मैं इसे ऐसी जगह पर रखूंगा जहां इसे सुबह की 2-4 घंटे की धूप मिल सके। मैं इसे इसी गमले में 6 से लेकर 8 महीनों तक बड़ा करूंगा। जब इसमें ढेर सारी नई ब्रांचेस और पत्तियां निकल आएंगी तो मैं इसे 18 इंच के बड़े गमले में ट्रांसफर कर दूंगा। आप चाहें तो इसे जमीन में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जमीन में लगाने पर यह तेजी से बड़ा होगा और लगभग 1-2 साल के बाद ही इस पर ढेर सारे फल आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप इसे इस तरह के बड़े प्लास्टिक कंटेनर में भी लगा सकते हैं। बड़े कंटेनर में भी इस पर आम आएंगे। दोस्तों, ये आम का पेड़ 3 साल का है, जिसे मैंने 24 इंच की फ्रूट क्रेट में लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं इस पर जबरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। इसे मैंने ग्राफ्टिंग से उगाया है। इसकी ग्राफ्टिंग का वीडियो आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में नीचे दे रहा हूँ। अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि आम का बीज और कलम क्या दोनों एक ही वैरायटी का होना जरूरी है या नहीं। तो आप किसी भी किस्म के आम की गुठली से पौधा उगा सकते हैं, लेकिन आम हमेशा उसी वैरायटी का आएगा जिस वैरायटी के पेड़ की कलम या सायन आप इस पर ग्राफ्ट करेंगे। आम की ग्राफ्टिंग के पिछले वीडियोस में कई व्यूअर्स ने मुझसे ये पूछा कि हमारी आम की ग्राफ्टिंग बार बार फेल हो जाती है। दोस्तों, ग्राफ्टिंग फेल होने के कई रीजन होते हैं, जैसे फंगस इन्फेक्शन, जो होता है गंदे या कंटेमिनेटेड कटर या ब्लेड यूज करने से, गलत कलम लेने से, सही तरह से कट न लगाने से, ज्वाइंट को लूज बांधने से, ज्वाइंट के बीच में पानी जाने या हवा लगने से, गलत मौसम में ग्राफ्टिंग करने से या ओवर वाटरिंग के कारण। दोस्तों, गार्डनिंग से जुड़े आपके कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके अपने इश्यूज पर मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये है आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो
ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।